हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके, है ना? तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़े और मेरे साथ दोहराएंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही सब कुछ है। तो हमेशा हमें हमारे गुरु की बात सुनना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब जिससे हमें ज्ञान मिलता है ना, जो हमें अच्छी बातें सिखाता है। तो वो हमारा शिक्षक भी हो सकता है, हमारे बड़े दादी दादा माता पिता कोई भी गुरु हो सकता है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि बड़ों से ही, छोटों से भी कभी कभी कुछ सीखने को मिल जाता है ना। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि एक शेर था, है ना, और उस शेर को बहुत घमंड होता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। एक दिन एक चूहा आके उस पर बैठ जाता है। अब चूहा जब बैठ जाता है, तो मैंने शायद पहले भी सुनाई थी आपको स्टोरी, है ना, तो चूहा आके बैठ जाता है तो शेर घमंड से बोलता है कि चूहे तुमने मेरी नींद ख़राब की है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो चूहा कहता है कि मुझे माफ़ करो, एक दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा। तो बोलता है इतना छोटा चूहा मेरे क्या काम आएगा? तो वो बोलता है कि ठीक है ठीक है, इतना छोटा है, जा मैंने तुम्हें माफ़ किया, माफ़ कर देता है वो, है ना। अब एक दिन शिकारी आता है और क्या करता है, जाल फैलाता है, शेर उसमें फंस जाता है, है ना। शेर फंस जाता है और शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में चूहे को आवाज़ आती है कि अरे शेर की आवाज़ आ रही है, अपने दोस्तों को लेके आता है, जाल को काट देता है और शेर बच जाता है। तो उस दिन शेर को पता चलता है कि छोटे का भी कितना महत्व है। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। हम देखते हैं ना, सुई धागे, सुई कितनी छोटी होती है लेकिन सिलने के काम आती है ना। तो कभी भी किसी को छोटा बड़ा ना समझे, है ना। इसी के अभी आप लोग, हो सकता है मेरा ये टीचर्स डे पे वीडियो जाए या फिर उसके एक दो दिन बाद जाए, तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से गुरु का महत्व बताने के लिए ये बातें बता रही हूँ, है ना। और इसी केस में आपको एक बहुत अच्छा दोहा सुनाने जा रही हूँ कबीर जी का, कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। मतलब गुरु ने, गुरु और गोविंद, एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ गोविंद ने भगवान खड़ा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसे पहले प्रणाम करूं। एक साथ सामने आ जाए तो हम किसे करेंगे प्रणाम? तो कबीर जी कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग बताया है, है ना। तो गुरु का बहुत महत्व है ना बेटा। और मैंने आपको बताया ना कि आप लोग, पता है मुझे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनने वाले हो बड़े होके, लेकिन हमें सबसे पहले क्या बनना है, एक अच्छा इंसान। और कभी भी आपसे कुछ गलती हो तो उसे छुपाओ मत, है ना। और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। छुपाया क्या जाता है आपको पता है? गलत काम छुपाया जाता है। अच्छी बातें कभी छुपाई जाती है ना? नहीं छुपाते। जिस दिन आपको कुछ अच्छा गुड नोट मिलता है तो आप मम्मी को बताते ना, देखो मम्मी आज हमको गुड मिला, है ना। लेकिन जिस दिन टीचर डांटती तो क्यों नहीं बताते आप लोग? कभी भी ऐसी बात नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमेशा ऐसा काम करो कि आपका नाम दुनिया में रोशन हो, है ना। और कभी भी किसी बात से घबराना या डरना नहीं। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, है ना। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गलती नहीं हो। गलती है तो स्वीकारो और उसका अपने माता पिता को बताओ, जरूर समाधान निकलेगा, है ना। कभी भी किसी भी बच्चे डराते ना आपको कभी कभी कि देख मुझे ये दे दे वरना ये मैम को आपका नाम बता दूंगा, और आप डर के मारे। डरना नहीं है किसी से। डरता कौन है? जो गलत करता है। हम क्यों डरें,
है ना। तो हमेशा अच्छी बातों को जीवन में याद रखो और खूब अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, यही विश करते हैं हम लोग टीचर साहब के लिए हमेशा, है ना। पढ़ने के साथ साथ हमें बहुत अच्छे बच्चे चाहिए, है ना। तो आप लोग अपनी व्याकरण की पुस्तक निकालें, बहुत बातें हो गई हैं, है ना, पुस्तक निकालें। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सर्वनाम, सॉरी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लिंग पढ़े थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप एक ऐसा नाम सोच के रखो जो सबका नाम होता है ना, मेरा, इसका, उसका, तुम्हारा, जो सबके नाम हो वो क्या कहलाता है, है ना, जो सबका एक नाम होता है। तो आज मैं इसी के उसमें आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक लड़के की है जिसका नाम विशाल है, है ना। विशाल एक बहुत ही शरारती लड़का है। एक दिन क्या होता है, विशाल घर से बाहर घूमने जाता है और विशाल घूमते 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 एक जंगल की ओर चले जाता है। विशाल जब देखता है कि विशाल जंगल में फंस गया है, विशाल को डर लगने लगता है। विशाल को अचानक से एक शेर की आवाज़ सुनाई देती है ज़ोर से, और डर जाता है। विशाल समझ जाता है कि मैं जंगल में आ गया हूँ। वो विशाल एक पेड़ पे चढ़ जाता है। विशाल पेड़ से देखता है कि आसपास बहुत जंगल ही जंगल है और अब विशाल बहुत घबरा जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको जो एक कहानी ये सुनाई है, इसमें आपको क्या अजीब लग रहा था, कुछ अटपटा लग रहा था ना, क्या लग रहा था, बार बार एक शब्द बार बार आ रहा था, विशाल, है ना। तो जो शब्द आ रहा था बार बार विशाल, वो आपको क्या कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, है ना, चिढ़ा रही थी बार बार, विशाल विशाल विशाल। तो विशाल क्या है आपको पता है, विशाल क्या है, किसी का नाम है ना, किसी बच्चे का नाम हो, नाम क्या होता है, किसी का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो अब इसी स्टोरी को मैं आपको फिर से सुनाने जा रही हूँ, है ना। ये स्टोरी मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि आपका मनोरंजन हो, साथ में इसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना। ये स्टोरी हमारा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, है ना। अब फिर से सुनिए, एक विशाल नाम का लड़का था, वह बहुत शरारती था। एक दिन वह घूमने निकला और वह घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा उसे एक ज़ोर से शेर की आवाज़ आई और वह घबरा गया और वह समझ गया कि मैं एक जंगल में आ गया हूँ। और उसने शेर से बचने के लिए वह पेड़ पे चढ़ गया, है ना, और उसने वहाँ से देखा कि चारों ओर जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था और वह समझ गया कि मैं घने जंगल में फंस गया हूँ। तो इस बार मैंने आपको जब स्टोरी सुनाई तो विशाल की जगह पे क्या सुनाया, बोला मैंने उसे, उसने, है ना, वह। तो जब हम ये बात ध्यान से सुनो कि जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या किया, उसे, उसने, वह, तो ये सारे शब्द क्या कहलाए, सर्वनाम, है ना, ये सब क्या कहलाए, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पे हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। और शुरुआत में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि ऐसा नाम बताओ जो मेरा और पूरी क्लास का एक हो, तो जी हाँ, वो नाम सर्वनाम ही है। सर्वनाम जो मेरा भी है, तुम्हारा भी है, इसका भी है, उसका भी, है ना। जैसे उसे, वह भी उसे हो सकता है, वह भी उसे हो सकता है। मैं बोलती ना कि मैंने तुम्हें कहा था ना राम कि कल वर्क करके आना है, मैंने श्याम तुम्हें भी कहा था ना, तो तुम्हें राम भी है, तुम्हें श्याम भी है। तो सर्वनाम शब्द वो होता है जो सबके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्वनाम जो सबका नाम होता है वो सर्वनाम कहलाता है, जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन पढ़ बोलते हो। तो आज जो हम ग्रामर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम है सर्वनाम ही पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पाठ 7, सर्वनाम। अब हमने इसे
पुस्तक की बाहर से पढ़ा, आप पुस्तक की भाषा में हम पढ़ेंगे इसे। देखो पुस्तक में एक चित्र दिया है, रोहन ने रोहन के भाई से रोहन के भाई की पतंग मांगी, है ना। अब यहाँ पे भी रोहन 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 अटपटा लग रहा है ना, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, रोहन ने अपने भाई से उसकी पतंग मांगी, है ना। आप घर में ऐसा थोड़ी बोलते हो कि आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम है विभूति, है ना, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगी विभूति विभूति ने विभूति की बहन से विभूति के लिए खाना मांगा, ऐसा बोलूँगी नहीं, मैंने अपनी बहन से खाना मांगा, सिंपल बात है। तो इसी तरह से ये सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पे होता है। प्रिया ने प्रिया की बहन से कहा कि प्रिया की बहन ने सुंदर चित्र बनाया, ऐसा बोला जाता है, नहीं बोलते हैं। प्रिया ने अपनी बहन से कहा कि तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। तो इस तरह आपको उदाहरण इसमें भी दिए हैं जो मैंने कि आपको एक स्टोरी के माध्यम से सुनाया था, है ना। अब हम पुस्तक की भाषा में सर्वनाम की परिभाषा बोलेंगे, सब मेरे साथ साथ बोलेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि, है ना। तो ये हमने सर्वनाम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, भेद ने उसके प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये छह होते हैं, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, छह। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पुरुष वाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पुरुष वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने, है ना, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग, है ना, जो हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, पुरुषवाचक। पुरुष से मतलब ऐसा नहीं कि जेंट्स, पुरुष यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आज बाजार जाऊंगी, मैं, है ना, इसका उदाहरण है मैं आज बाजार जाऊंगी, तुम खाना खा लेना, तुम खाना खा लो, ठीक है। फिर है वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, हम फिल्म देखने जाएंगे, अभी नहीं कोरोना के बाद, है ना, घर में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, अगर माता पिता हमें जाए भी तो मना करना है कि घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। तो ये मैंने आपको इसके उदाहरण बताए। अब हम अगला पढ़ेंगे निश्चय वाचक, निश्चय, है ना। दूसरा पढ़ेंगे निश्चय वाचक, निश्चय आप समझते हो ना, निश्चय करते हैं ना, एक फिक्स होता है, निश्चित हो जाता है, निश्चय ने जिसके हम बदलते नहीं है, निश्चित होता है। जैसे यह पेन मेरी है, है ना, यह पुस्तक उसकी है, वह घर उसका है, यह घर मेरा है, जहाँ पे हम फिक्स बात करते हैं, तय रहता है कि यह मेरा है, यह उसका है, है ना, तो वहाँ पे निश्चय वाचक होता है। पुस्तक की भाषा में बताया जाए कि जो सर्वनाम शब्द किसी दूर और पास के निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध कराते हैं, है ना, उसे निश्चय वाचक कहते हैं। जैसे वह स्कूल हमारा है, है ना, यह घर हमारा है, वह राम का घर है, तो यहाँ तय है, है ना। तो दूर या पास की वस्तु को जब बताया जाता है, जहाँ निश्चित होती है, वो क्या होता है, निश्चय वाचक। तो इसमें आता है यह, वह आदि, है ना। अब इसके बाद आता है अनिश्चय वाचक, क्या आता है, अनिश्चय, इसी के आगे हम लोग अ लगा देंगे। अ, आप लोग विलोम शब्द पढ़ते हो ना, निश्चय ने जहाँ तय होता है कि कोई भी दूर या पास की वस्तु का निश्चित होना बताया जाता है कि वो उसका है, लेकिन इसी के ठीक
कि जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति के क्या आदि का बोध नहीं कराते हैं ना होने का, वो अनिश्चय वाचक होते हैं। जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, माँ बोलती ना कि रास्ते में कुछ खा लेना, आप कुरकुरे चिप्स बिस्किट क्या खा लेना, कुछ उसका नाम नहीं है, तो कुछ अनिश्चय हो गया है ना। मैं कब जाऊंगी मुझे नहीं पता, स्कूल कब लगेगी, ये भी क्या हो गया, अनिश्चय वाचक हो गया है ना। फिर एग्जाम कब होगी, ये भी अनिश्चय वाचक हो गया है ना। घर में कोई आया है, पता नहीं कोई आया है, कौन आया है नहीं पता है ना। हम दूसरे कमरे में फ़ोन से बात करते हैं, पता नहीं कोई आया है अभी है ना। फिर किसी ने कुछ कहा है ना, किसी ने अभी कुछ कहा, किसी ने क्या कहा ये नहीं पता, किसने कहा ये भी नहीं पता, तो ये क्या हुआ है, अनिश्चय। अब इसके बाद आता है संबंध। संबंध ने जो दो शब्दों दो वाक्य को जोड़ने का संबंध रिलेशन बताते हैं ना, तो वो क्या होता है, संबंध वाचक। आ जाइए नंबर 4 पे, संबंध वाचक। जैसा कि मैंने आपको, मैं पहले आपको ने जो किसी से हमारा रिलेशन बताएगा है ना, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा है ना। फिर जो बोएगा सो पाएगा, पढ़ेगा वह पास होगा। मैम बोलती है ना पढ़ोगे तो पास होगे, वरना कैसे नंबर मिलेंगे। तो जो माताजी ने ड्रेस खरीदी थी वह ले आओ, तो ये क्या, एक दूसरे का दो वाक्य को जोड़ने का जो संबंध वाले शब्द हैं, जैसे जो सो जैसा वैसा आदि है ना। अब प्रश्नवाचक, इसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्न ने आप समझते हो, प्रश्न क्वेश्चन, जब हम प्रश्न पूछते हैं क्यों कब कहाँ कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना। मैं बोलती हूँ ना जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, प्रश्नवाचक। मित्र तुम्हें क्या चाहिए है ना, कौन आया है, तुम कब जाओगे, स्कूल कब खुलेंगे, वही वाली बात आ गई। अब इसके बाद इसमें कौन क्या कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल है ये भी। अब आखिरी आता है निजवाचक, सबसे आखिरी वाला क्या आएगा, निजवाचक। कुछ शब्द आप लोग सुनते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो है ना, तो निजवाचक। निज ने जो निजी होता है, बोलते ना प्रधानमंत्री अपने निज भवन पे गए, हाँ तो मैं बता रही थी कि जैसे हम सुनते हैं ना कि प्रधानमंत्री अपने निज भवन पे उन्होंने अभी मोरों को खिलाया है ना, तो निज ये मेरा निजी मामला है। तो कुछ शब्द आपको सुनना पड़ेगा, टीवी में देखो, न्यूज़ में देखो, तो उससे भी आपको अपने शब्दों का संग्रह बढ़ाना पड़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ेगा। तो ये निजवाचक है ना, निज ने खुद के लिए, स्वयं के लिए, वह स्वयं इधर आ रहा है, मतलब वो खुद ही इधर आ रहा है, मैं अपना काम आप करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ है ना। फिर आप स्वयं अपना काम करिए, तो ये जहाँ पे खुद की बात हो रही है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह हमने देखा कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं है ना, बहुत सरल भाषा में आपको मैंने समझाया है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब ये हमारा आज का
वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगली क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको इसे कम से कम 2 से 3 बार रीड करना है। जब तक आप समझोगे नहीं, आगे की एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।